इसलिए कहता हूं जीते जी भागवत सुन लेना चाहिए। हम सबका ये परम धर्म है, मरने के बाद बच्चे कराए, कोई कराए, कोई ना कराए, कोई सुने ना सुनवाए, अपने जीते जी अपने मुक्ति का कारण खुद बन के चलो, खुद अपना मोक्ष के लिए रास्ता स्वयं प्रशस्त करके चलो। अपने मोक्ष के लिए किसी के भरोसे ना बैठे रहो कि बच्चा पिंडदान करे, बेटा भागवत सुनवाए, तब हमारी सदगति होगी, ना जी। खुद कर लो अपनी सदगति के सारे साधन, तो भगवान आपकी पत्नी को अपने चरणों में स्थान दे ही चुके हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए देखो प्यार से रहना सीखो। कब जीवन की आखिरी सांसें निकल जाए कोई नहीं जानता, खुश रहा करो पत्नी से, पति से, कोई शिकायत ना होनी चाहिए आपको, खुशी से जीवन जिया करो। संग श्रीमती, आप तो श्री मान आसाराम यादव जी, पत्नी स्वर्गीय श्रीमती अनारकली जी की पुण्य स्मृति में महाराष्ट्र से आप आए हैं, मुंबई से, सुखी रखें भगवान आपको। श्रीमती रेखा सिंह जी, संतोष कुमार सिंह जी की पुण्य स्मृति में आप रायपुर छत्तीसगढ़ से, श्रीमती रेखा सिंह जी, स्वर्गीय संतोष कुमार जी की पुण्य स्मृति में यह आयोजन करा रहे हैं। और भागवत जी, ये देखिए सभी के लिए भागवत जी का पाठ चल रहा है, पोथी पाठ चल रहा है। भागवत जी जीव मात्र का इस कलिकाल में यदि कोई कहे कि हमें हमने कोई पुण्य नहीं किया, हमने कुछ साधन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, पर हमारा उद्धार हो जाए, कैसे होगा? एक ही उपाय है, जाने अनजाने में भी यदि आपने कभी भागवत सुनी होगी तो निश्चित सदगति होगी। भागवत सुनने वाले की दुर्गति नहीं होती, ये बात गीता में लिखी है। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। यदि भक्त का पतन हो गया तो वो पतन भक्त का नहीं भगवान का माना जाएगा। हम तो आपके आश्रित थे हैं, और पतन कैसे हो जाएगा हमारा, है ना? द्रौपदी ने जब दोनों हाथ खड़े करके कह दिए अब आप जानो, पर अब साड़ी खींचेगी तो फिर वो लाज हमारी नहीं, लाज आपकी जाएगी, क्योंकि अब तो हम आपके आश्रित हैं। तो जो भक्त भगवान के आश्रित हो जाता है उसकी फिर पूरी योगक्षेम वहां में हम सब कुछ भगवान करते हैं, पूरा उसका सब कुछ ईश्वर करते हैं। किसके आश्रित होना है? केवल भगवान। आपका सारा योगक्षेम, योगक्षेम का अर्थ है आपका भरण पोषण, आपकी जिंदगी अब ईश्वर के नाम है, वो संभालेंगे, ये समर्पण है। तो भगवान आप सबका कल्याण करें। श्री राम प्रताप उपाध्याय जी, श्रीमती निर्मला देवी।